मैं क्या बोलता हूँ, अपने ना बिग बॉस में जाते हैं। ये ऐसा शो है ना, अपने नंगे भी हो जाएंगे ना तो भी अपना नाम हो जाएगा। मुझे तो नहीं आना ऐसे भड़वे जैसे शो में। कैसे साले लोग आते हैं सब बिग बॉस के अंदर, ऐसे लोग है ना कभी तूने देखे भी नहीं होंगे। गिरगिट आते हैं गिरगिट सब भैनचोद, 2 मिनट में साले बदल जाते हैं सब, कुत्ते की तरह बस खाली झगड़ते रहते हैं। भैनचोद कोई बात में दम होता है नहीं, बस खाली झगड़ते रहते हैं चूतियों की तरह। किस भड़वे ने ऐसे भड़वे जैसा शो बनाया है। नाटक कितने करते हैं भैनचोद बिग बॉस वाले, कभी एक दूसरे की चाटते हैं, कभी एक दूसरे का लेते हैं, कभी एक दूसरे का पकड़ लेते हैं हाथ। बिग बॉस वालों का यही तो काम है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी किसकी गांड में घुसते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी एक दूसरे की मारते हैं। कुत्तों की तरह बस खाली झगड़ते रहते हैं। कभी खाने के लिए झगड़ेंगे, कभी सोने के लिए झगड़ेंगे, कभी टॉयलेट साफ करने के लिए झगड़ेंगे, कभी गांड धोने के लिए झगड़ेंगे, कभी लौड़े टास्क में झगड़ा करते हैं। इनका तो लौड़ों का काम ही है बस खाली झगड़ना। और इनको बिग बॉस वाला टास्क भी कैसे कैसे देता है, चूती है जैसे भैनचोद, ऐसे कोई टास्क होते हैं माधर चोत। साला थोड़ा तो बुद्धि चलाओ बिग बॉस वाला, दिमाग है ना खराब हो गया उसका लगता है। पब्लिक को है ना चूतिया बनाते हैं। ऐसा कोई शो होता है भैनचोद, ऐसा शो तो भैनचोद बंद ही कर देना चाहिए हमेशा के लिए। जब मैं भी जाऊंगा ना बिग बॉस में, देख सबकी कैसी फाड़ता हूँ, सबको भैनचोद गालियां दूंगा। और तेरी माँ की और तेरी बहन की, सबको भैनचोद गालियां देंगे अपने।